हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इतिहास से जुड़े वीडियो में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं मुगल इतिहास से ही जुड़े एक शानदार तथ्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बड़ी बहन यानी बख्शी बानो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे इनके असली इतिहास के बारे में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन का पता लग सके। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि कई जगहों पर टीवी सीरियल्स और मूवीज में आपने देखा होगा कि बख्शी बानो को जो है अकबर की छोटी बहन बताया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था बल्कि वह अकबर से 2 साल बड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 1540 में इनका जन्म हुआ था दिल्ली में ही, और इनकी माता का नाम गंवार बीवी था और साथ ही इनके पिता जो थे वो हुमायूं थे। और दोस्तों जो गंवार बीवी थी वह इस्लाम धर्म के अनुसार हुमायूं की तीसरी नंबर की कानूनन बीवी थी, यानी उनकी बेगम थी। दोस्तों इतिहास में यह भी पढ़ने को मिलता है कि इनके जन्म से 2 साल बाद यानी 1542 में अकबर का जन्म होता है, जो कि हमीदा बेगम के बेटे होते हैं यानी बख्शी बानो के सौतेले भाई होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है कि इनके जन्म के कुछ ही सालों बाद इन्हें काबुल भेज दिया जाता है, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। और इसके बाद दोस्तों मात्र 10 साल की उम्र में ही यानी कि 1550 में इब्राहिम मिर्जा के साथ जो है बख्शी बानो का निकाह कर दिया जाता है। उस समय इनकी उम्र मात्र 10 साल होती है और जो इब्राहिम मिर्जा होते हैं वो इनसे 6 साल बड़े होते हैं, यानी कि उनकी उम्र मात्र 16 साल होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जो इब्राहिम मिर्जा है इनके इतिहास में कुछ ज्यादा अच्छा वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि एक शाही खानदान से थे। और कई मुगल तथ्यों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि जो इनका वंश था वह सिकंदर महान के वंश से भी ताल्लुक रखता था, और यही एक कारण था कि हुमायूं ने इब्राहिम मिर्जा से इनकी शादी करने के लिए कुछ नहीं सोचा और सीधे ही इनका निकाह बख्शी बानो से कर दिया। लेकिन दोस्तों शायद इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। बख्शी बानो जो थी उनकी खुशियां ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों शादी के कुछ ही सालों बाद मात्र 26 साल की उम्र में ही इब्राहिम मिर्जा जो होते हैं उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों इनकी मौत को लेकर कोई भी स्पष्ट परिणाम नहीं है, तो मैं आपको ऐसा कोई परिणाम नहीं बताऊंगा जो कि आप सत्य समझ लें। लेकिन दोस्तों बख्शी बानो की जीवन में जो बदलाव आता है वह उसी साल फिर से आ जाता है, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि जब इब्राहिम मिर्जा की मौत हो जाती है तो बख्शी बानो जो है काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, और उनके भाई जो थे वह भारत के सबसे बड़े शहंशाह उस समय थे यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ऐसे में दोस्तों वह मेवात के सूबेदार यानी शरीफुद्दीन के साथ उनका निकाह कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला कारण तो ये होता है कि वो एक मेवात के सूबेदार थे, और साथ ही दोस्तों दूसरा कारण जो ये था कि उन्होंने उस समय ही आमेर पर अपनी फतेह हासिल की थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आमेर को जो है मुगल सल्तनत से जोड़ दिया था, और एक संधि के तहत जो है आमेर अब मुगल सल्तनत का एक हिस्सा हो चुका था। इस बात से खुश होते ही अकबर ने उन्हें एक तोहफे की तरह ही अपनी बहन को सौंप दिया और कहा कि तुम इनसे निकाह कर लो और मुगल परिवार के यानी एक शाही परिवार के एक हिस्सा बन जाओ। हालांकि दोस्तों पहले भी शरीफुद्दीन का जो ताल्लुक था वह शाही परिवार से ही था, लेकिन बख्शी बानो से उनका निकाह होने के बाद उनका जो औहदा था साम्राज्य में वह काफी ज्यादा बड़ा हो गया, और सूबेदारी के तौर पर उन्हें कई अलग क्षेत्र भी मिले जिसमें नागौर जैसे क्षेत्र का नाम भी शामिल होता है। लेकिन दोस्तों ये कहें कि बख्शी बानो के जीवन में हमेशा ही उतार चढ़ाव बने रहे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनसे निकाह करने के कुछ ही सालों बाद जो है दोस्तों जो शरीफुद्दीन है उन्हें दगाबाज घोषित कर दिया जाता है मुगल सल्तनत के अंदर, क्योंकि दोस्तों वह अकबर के खिलाफ ही साजिश चलते हैं और तख्त को हासिल करने जैसे कई सारे उनके ऊपर आरोप लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में आज भी अंकन मिलता है कि अकबर जो है उनसे उनके विद्रोह हुआ था और उन्होंने उनसे दगा कर दिया था। इसके बाद दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि बख्शी बानो जो थी उनका निकाह किसी और से नहीं किया गया। खैर दोस्तों बता दूं कि बख्शी बानो को लेकर सीरियल वगैरह में आप देखते हैं कि उनका एक बेटा भी होता है या फिर उनका बच्चा भी दिखाया जाता है, लेकिन इतिहास में बहुत सीमित तथ्य ऐसे हैं जहां पर उनके किसी बेटे या फिर बच्ची का कोई वर्णन मिलता है। और 1596 में मात्र 56 साल की उम्र में ही बख्शी बानो जो है उनकी मौत हो जाती है, यानी अकबर से 9 साल पहले इनकी मौत होती है, क्योंकि दोस्तों 1605 में यानी 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और उससे 9 साल पहले ही बख्शी बानो की मौत हो जाती है। तो दोस्तों बख्शी बानो का जितना भी इतिहास था सबसे महत्वपूर्ण वो मैंने आपको बताया। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और अपने ओपिनियंस मेरे साथ जो है इंस्टाग्राम पर भी आप शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। अगली वीडियो आपसे लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।